तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि एक टेम्पू के अंदर 10 से 12 लोग सवार थे और टकराव हो जाता है बड़े वाहन के साथ। तो क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे हादसा हुआ? गाड़ी जान लग रही थी जी हमारी, हाँ। गाड़ी से आगे से गाड़ी ने ऐसे ब्रेक मार के ऐसे घेर दिया गाड़ी को, बाहर से फ्रंट मार ट्रक वाला खड़ा वहाँ पे, ऐसे मेरा बाज गया खड़ा। अच्छा, जैसे वो तो ऐसे घेरा मेरे को, मेरे उनको जान के करे रस्ता, हाँ। वो बोले मैंने इस, मैंने क्या पता है पड़ी गड्डी है, गड्डी खड़ी ऐसे घेरा ड्राइवर। तो कितनी सवारियां घायल हुई हैं? 12-13 सवारी घायल हो रही है। 12-13 थी तो टक्कर कैसे हुई पता नहीं चला। वैसे तो पागल हो गई जी, मेरे को तो इतना पता नहीं, मैं तो चेक कर रहा हूं। तो आगे टेम्पो चला गया था, हम तो आगे से आए पीछे, फिर एक्सीडेंट होने के बाद हम तो आगे चले गए थे, फिर उनके पीछे आए, हम दूसरी गाड़ी में थे। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी लोग जो है अंदर, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, ये तस्वीरें हैं जहां पर कई लोगों का इलाज चल रहा है। टेम्पू के अंदर बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोग मौजूद थे और सभी को चोटें लगी हैं। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही दुखद ये तस्वीरें हैं, आप ये देख सकते हैं ये छोटा बच्चा है और इसको भी चोट लगी है। काफी लोगों का अंदर इलाज चल रहा है, कितने लोगों का इलाज चल रहा है भाई? 5 साल की लड़की जी बिल्कुल जवाब दे दिया डॉक्टर ने आज। अच्छा। हाँ जी, उसको चंडीगढ़ का पर्चा काट दी। कितने लोगों का? 15 लोग है जिसमें गाड़ी में। 15 लोग? हाँ जी। नहीं, कितनों का काटा है पीजीआई का पर्चा? पीजीआई का 3-4 का बता रहे जी अभी, तो 3-4 को किया है। 8 लोगों को पीजीआई रेफर, इलाज नहीं होगा। बच्चे कितने हैं इसमें? बच्चे तो 6-7 बच्चे, 6-7 बच्चे हैं, 8-9 6-7 बच्चे। और महिलाएं? महिला ही है, 5 महिलाएं जी। अच्छा, 5 महिलाएं है, 1 जेंट्स है और बाकी बच्चे है। बाकी बच्चे हैं, बाकी सभी कहाँ के रहने वाले हैं? सभी टोहाने के। टोहाना के? हाँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? वहाँ से मोले बाबे के से जा रहे, बगैरा से टोहाने जा रहे थे। अच्छा। हाँ जी, बगैरा से टोहाने जा रहे थे। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं टक्कर कैसे हुई, पता चला कैसे, क्या हादसा था? आगे थे जी, ये हम आगे थे, इनते पीछे थे हमारे। अच्छा। हाँ जी। नहीं, हादसा हुआ कैसे था? जैसे ट्रक था तेल वाला, चाहे तो उसने एकदम ब्रेक मारे, जो 3-व्हीलर कंट्रोल नहीं है उसके अंदर लग गया, जो एक दूसरे एकदम ब्रेक नहीं मारे उतने, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ट्रक वाले ने ब्रेक मारा? हाँ जी, जैसे अब वो लेते हैं ना, राउट टर्न लेते हैं, उसमें एकदम ब्रेक लग गया। तो कितनी दूर था निसिंग से, आसपास था या? निसिंग से 4-5 किलोमीटर दूर। 4-5 किलोमीटर? हाँ। अभी कितने लोग अंदर एडमिट हैं? सारे इंजर्ड है जी। सारे इंजर्ड? सारे जी, जिसके छोटी मोटी चोट लग गई, बच्चों में यहाँ बैठे जी, देख लो उधर खड़े बच्चे। बहुत ही दुखद ये तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इस बच्चे का बचाव जरूर हुआ है और काफ़ी लोग जो है अंदर इस वक्त इलाज करवा रहे हैं और काफ़ी लोगों को बोला गया है पीजीआई रेफर के लिए बोला गया है। तो आप इस वीडियो को शेयर भी वशे करें। निसिंग के पास जो है ये हादसा होता है और आप ये देख सकते हैं जो सवारियाँ हैं वो काफ़ी घबराई हुई हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गलती किसकी मानते हो? वाले की गलती है। अच्छा, ट्रक वाले ने और ट्रेलर वाले ने एकदम मोड़ दी ना, इसलिए वो गाड़ी भिड़ गई उनकी। गलती तो ट्रेलर वाले की है ना, ब्रेक कट मार दिया, कट मारने से ये 3-व्हीलर अंदर घुस गया। कितने बजे का हादसा बताया जा रहा है? ये किस टाइम का? ये एक नहीं, 2:15 बजे का हादसा जी, 2:15 बजे का काम है। अच्छा। 2:15 या 2:30 के बीच में हुआ है। अच्छा। मैं उधर से आ रहा था बस के अंदर, करनाल वाली से कैथल से चला था मैं, ये इधर से जा रहे थे। अच्छा। ऊपर कट्टा रखा हुआ था टेम्पू के, जब ये जा रहे बिल्कुल सावधान जा रहे थे, गड्डी भी इतनी तेज नहीं थी, चलो जा रही थी। बाद का नहीं पता जी, वहाँ जा क्या हुआ क्या ना हुआ, मैं इधर आ गया था, रिश्तेदारी का मामला था उनका, पता नहीं कैसे बिड़ा कैसे नहीं बिड़ा ये उनको पता है। हरियाणा के करनाल की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर निसिंग के पास जो है एक हादसा होता है। जी हाँ दोस्तों, निसिंग के पास एक हादसा होता है और उस हादसे के अंदर 10 से 12 लोग जो है इंजर्ड हो चुके हैं, जिनका इलाज करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। कुछ एक और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जब आपको पता ये भी चला हमें कि आपने जो है एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो मुहैया करवाई आपने? जी, मेरे पास किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया था, मेरा प्रभु हॉस्पिटल है अपना, मैं MD हूँ प्रभु हॉस्पिटल से। तो किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया, अभी निसंग के पास ट्रक और छोटे हाथी का एक्सीडेंट हो गया, 15 से 20 व्यक्ति थे जिसमें बच्चे भी थे। तो सरकारी एम्बुलेंस ना होने के कारण
तो मैंने अपनी जितनी मेरी एम्बुलेंस थी, चार पांच एम्बुलेंस, मैंने मेरे ड्राइवरों को बोला भाई आप वहाँ लेके जाओ और पेशेंटों को कल्पना चावला लेके आओ। अगर शायद टाइम पे मैं एम्बुलेंस नहीं भेजता तो काफ़ी बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो उसके बाद अब कल्पना चावला लेके आए हैं, देखते हैं कल्पना चावला में क्या इलाज होता है उनका। जी कह रहे कि पीजीआई रेफर किया जाएगा काफ़ी लोगों को। हाँ, अगर इनके पास न्यूरो की सुविधा नहीं है तो काफ़ी लोगों के सिर में भी चोट है तो वो देखते हैं, अगर पीजे ले जाने के हालत में है तो पीजे लेके जाएंगे, तो अगर साथ वाले अगर इनको किसी निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहेंगे वो इनकी मर्जी है। हालत कैसी है सर इनकी अभी? तीन चार पेशेंटों की हालत गंभीर है तो क्योंकि उनके सिर पे चोटें हैं। चक्कर लगे आपके एम्बुलेंस के सर? मैं मेरी चार एम्बुलेंस गई थी, दो दो पेशेंटों को वो लेके आ गई थी यहाँ। तो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और लगातार जो है इनकी सेवा वो भी जरूर देखी गई। और आप ये देख सकते हैं फिलहाल जो है काफ़ी ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। निसिंग के पास ये हादसा होता है और आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है इस टेम्पू के अंदर सवार थे। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। और काफ़ी लोगों का इलाज जो है करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में चल रहा है और काफ़ी लोगों को रेफर किया गया है पीजीआई चंडीगढ़ में। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। और जो ट्रक चालक है वो कहीं ना कहीं मौके से फरार बताया जा रहा है। ट्रक चालक क्या फरार हो चुका है सर? ट्रक चालक क्या फरार हो चुका है? पता नहीं जी, फरार हुआ कि नहीं, फरार हो गया ट्रक वाला तो मौके से फरार हो गया जी। मौके से फरार हो गया? क्या था ट्रक के अंदर? ट्रक के अंदर तेल था, पेट्रोल। पेट्रोल था? कहाँ से कहाँ जा रहा था कुछ कोई पता नहीं जिसका। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो जाता है और इस टेम्पू के अंदर जो है 10 से 12 सवारियां जो है वो सवार थी और काफ़ी इंजर्ड है, काफ़ी लोगों को चोटें लगी हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें, अपडेट आपको देते रहेंगे।